ने आगरा दौरे के दौरान एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री ने विकास के दावे किए तो दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि इसे हार की बौखलाहट कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कोई गलत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर योगी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने ललितपुर मामले में साफ किया है कि FIR दर्ज हो चुकी है, दोषियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। बावजूद इसके अखिलेश और सपा अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा पूरा कर रहा है। श्री अखिलेश जी का ये अधिकार है कि वो कोई भी चीज़ को तोल दें, लेकिन उनकी हार की जो बौखलाहट उसके कारण से कुछ ऐसे वो काम करते हैं जो मुझे लगता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं। कोई गलत करेगा तो यह अस्पष्ट संदेश है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं। और मुकदमा लिख जा चुका है, जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, पूरा थाना सस्पेंड किया जा चुका है। उसके बाद घटिया राजनीति करना ये अखिलेश जी के और सपा की आदत है।